नृत्य कला आविष्कार हमारे सामने सादर करेगी। तुलसी हमारे घर के अंग विद्यमान पदवीधर मतदार संघ के आमदार एक्चुअल में हिंदुस्तान जो है पूरे विश्व में अपनी संस्कृति अपनी कला की एक विशिष्ट पहचान है। उसी के बारे में हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में अपने आप का एक बहुत बड़ा नाम है, पहचाना जाता है कला संस्कृति को लेकर। आज का जो विशेष जो एक कार्यक्रम है जो अंगरितनम, ये जो भरतनाट्यम जो एक हिंदुस्तान की बहुत ही सदियों पुरानी एक महान नृत्य कला है, उसको लेकर ये आयोजन जो है शालिनी जी शर्मा अग्निहोत्री जो एक इस कला की बहुत ही पुरानी बहुत ही एक लोकप्रिय गुरु भी हैं, आप कह लें एक कला निदेशक भी हैं, कोरियोग्राफर भी हैं, अपने आप में इस कला में बहुत ही निपुण हैं और वो भारतीय कला को इसको आगे बढ़ाने में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। और हमारे समाज में बहुत पाश्चात्य का प्रभाव है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय संस्कृति और कला को जीवित रखना हमारा एक मूल उद्देश्य भी है, हमारा फर्ज भी बनता है, कर्तव्य बनता है। और साले जी बहुत बेखूबी के साथ उन्होंने इस कला को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को वो शिक्षा दे रही हैं, उनको निपुण कर रही हैं कि हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर है, जो हमारी एक भरतनाट्यम भी उसमें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण एक अंग है, उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं अभी मैंने देखा बच्चों ने बहुत ही एक डेडिकेशन के साथ, बहुत आत्मीयता के साथ, गंभीरता के साथ, एक लगन और मेहनत के साथ, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उन्होंने वो शिक्षा ग्रहण की है। आज उनकी परफॉर्मेंस देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। सबसे पहले मैं अपना परिचय थोड़ा सा छोटा सा एक मैं फिल्म निर्देशक हूँ, डायरेक्टर हूँ, अमजद खान नाम है मेरा। इस इवेंट में आया हूँ, शालिनी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ मैं कि उन्होंने मुझे मौका दिया इतना खूबसूरत सा एक इवेंट देखने का। भरतनाट्यम के बारे में दो तीन लाइन में बता दूँ, शिवइज्म, वैष्णविज्म और शक्तिज्म, तीनों का
जो रूप है एक साथ जब उसको डांस फॉर्म में हम लोग साइन लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हैं उसे भरतनाट्यम कहा जाता है। ये तमिल संस्कृति से आया हुआ है और फिजिकली आपको पूरी तरह से फिट रखता है, आपका ब्रेन को, आपके चेहरे में बहुत सारा एक्सप्रेशन, आपको आपके ऑर्गन्स का प्रॉपर तरीके से यूज होना और साथ ही साथ कल्चर को लेके आगे बढ़ रहा है, वो भरतनाट्यम है जो तमिल संस्कार से है, संस्कृति से है। और इसमें शिव शक्ति का है और विष्णु जी का है, वो बहुत कुछ मिला के एक रूप है जो भरतनाट्यम बहुत पुराना है, बहुत दिनों से चलता है। एक बहुत बड़ा प्रयास है ये भारतीय संस्कृति का आगे बढ़ना, पूरे वर्ल्ड में हमें जाना जाता है कुछ हमारे कल्चर के वजह से, उसमें से भरतनाट्यम एक ऐसा फॉर्म है जिसके वजह से पूरी दुनिया में इनका एक अलग चर्चा रहा है और चलता भी रहेगा। ये अभी के जनरेशन जहाँ चलता है, क्या रिएक्शन था जब आपको बोला गया टू बी हियर एज अ गेस्ट, और कितना हौसला अफजाई होती है जब आप खुद आती है और बच्चों को देती है परफॉर्म करते हो? डेफिनेटली नृत्य कला एकेडमी की तरफ से आज जो अरंगेत्रम का परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा, जहाँ पे 5 बच्चियाँ थी, उन्होंने उनकी जो गुरु है शालिनी शर्मा अग्निहोत्री जी को, उनको उनके सामने परफॉर्म करके आज उनको एक सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम था। और भरतनाट्यम जो हमारी कला है वो उन्होंने अपने बचपन से सारे शिष्यों ने जो किया था वो देखने के लिए शालिनी जी ने और हमारे जो सरला जी है उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। मुझे कॉन्फिडेंस था कि मुझे पूरा एक बोलते ना विश्वास था कि ये जो बच्चियां हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी। और मैं खास करके शालिनी जी का जो प्रोफाइल देखा और सुना तो मुझे, मैं खुद ही बहुत ही उत्सुक थी कि उन्होंने जो शिक्षा दी है इतने सालों से तो वो किस तरह से वो परफॉर्म करेगी। और बहुत ही मन को संतुष्टता हुई कि ये गुरु शिष्य परंपरा ऐसे जो हमारी गुरु है जो हमारे भारतवर्ष में जो शालिनी शर्मा है, ये जो शिष्या है ये कोई इंडिविजुअल नहीं है, ये हमारी रिप्रेजेंटेटिव हमारी कला का, हमारी जो प्राचीन कला है भरतनाट्यम उसकी उसको आगे प्रमोट कर रहे, हमारी कल्चर को प्रमोट कर रहे, हमारी सभ्यता को कल्चर कर रहे, हमारे देश की कल्चर को सभ्यता को आगे कर रही है। उसमें ना कोई द्वेष है, ना कोई ये है, सिर्फ प्यार ही प्यार है। और न कोई जात है, न पात है, न कोई धर्म है, न कुछ नहीं, सिर्फ यही है कि हमारा भारत देश है, हमारे भारत देश की कल्चर है, जो कला है जो हम परफॉर्म करते हैं और गुरु को दक्षिणा देकर भारत को आगे बढ़ाते हैं, विदेशों में आत्मसम्मान की जो भावना को वो उजागर करते हैं। We talk about India, we talk about Bharatanatyam. How this whole thing happened, this initiative, this particular program which happened to you? Actually, this is Arangetram, which means the it's like a Guru Dakshina program or kind of, I would say, initiation to performance on the stage to the kids who have been learning last 10 to 12 years now. So it's basically the first, it's like the beginning. The word Arangetram means beginning of the dance. There are people who actually, students who stop learning after Arangetram, they feel they are the masters. But no, this is the beginning. So this is the first performance of the kids who have learned for so many years with me and my assistant Namita Sanke. So this is for them. शर्मिली, एक सभ्यता की मैं बात करता हूँ, एक संस्कृति की बात करता हूँ, इससे हम भरतनाट्यम की हम बात करते हैं, एक पिक्सल टाइप ऑफ वर्ड कॉल्ड भरतनाट्यम, वो जिंदा रखा है। और कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि हमने कर लिया, अब हो गया, नाउ यू हैव कॉल्ड देम बैक कि ये अब बिगनिंग है, ये कैसे जहन में आया, हाउ इट हैपेंड? Arangetram is a normal process. It's not new that I'm doing anything new. It's a normal process. It's more common in southern part of India, and the southern part of India is actually carrying our culture really well. And because most classical dance forms are from southern part of India and east part of India, like it has different terms in different dance. Most
like Carnatic based music system dances like Kuchipudi, Bharatanatyam or Mohiniyattam and all. They call it Mancha Pravesh or Ranga Pravesh or you know Arangetram. That is the term which is used. So I'm not doing anything new. It's a tradition. Okay, apart from what I found new is somebody from Bollywood, for example, Amjad Saab was doing Gulmakha, the film about girls. You're promoting all the female who are part of the industry. Yes. You know, small kids, the girls especially. Yeah. Do you think there are possibility who are part of this dance program, who have done this, who have learned Bharatanatyam, will be a possibility going to Bollywood? Bollywood is a different scenario altogether. It's a different world. Definitely, we have had big artists like Vaijayanti Mala, who is an excellent dancer, as in she's one of the most adored dancers that ever done, like Shobhana Narayan, Hema Malini ji, and Meenakshi Seshadri ji. So these are few people who are already, they were dancers, Indian classical dancers, and then they moved to Bollywood. So yes, there is a possibility, and it's very difficult for me to comment on that because it's a very individual choice of the child. A very recent example, you know, being an entertainment journalist, I've seen Bajirao Mastani, Deepika Padukone, yes, was seen by classical dancing, you know. Yes. Yes, because you know what, nowadays what I see is even the Bollywood is quite using, because previously they used to use most of Kathak influenced, you know, steps like Biju Maharaj had, you know, choreographed dances for the movie. Raja Hindustani. Detas. So Detas was classical, yes, it was entirely choreographed by him. So there was a lot of influence of Kathak and they had beautiful choreographies. So that is happening. And like in olden days and southern, you know, Tollywood movies, if you actually check. So most movies have Bharatanatyam or Kuchipudi as an exposure, even in class, like Kamala Hassan. There is a movie now recently, I forget the name, where he is actually teaching, yes, Vishnu. He's teaching Kathak in that, which is again been choreographed by Biju Maharaj. And he's been always doing previous movies, you know, in South Indian movies, which influences Bharatanatyam and Kuchipudi and other dances. Thank you so much. बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे खास अवसर पर जी जो अरंगेत्रम का जो प्रोग्राम किया है शालिनी जी ने. जैसे कहा जाता है गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है, तो आई थिंक मुझे लगता है शालिनी जी ने बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जो सेट किया है और बालिकाओं ने जो प्रोग्राम जो दे रही हैं, जो नृत्य कर रही हैं, हम लोगों को इतनी खुशी हुई है और देख करके आई एम रियली ब्लेस्ड दैट दे हैव कॉल्ड मी as a guest in this program, and thank you so much each and everyone. Thanks so much. Thank you. I worked with All India Radio and Doordarshan for 40 years and retired from CSU Akashwani, Bombay. मैं मैंने कार्यक्रम देखा और मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाह रही थी कि संस्कृति का एक सूत्र है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु कुछ विषाणहीन. संगीत इंसान को वो दौलत मिली हुई है जिसके माध्यम से वो अपनी अभिव्यक्ति करता है. और पहले जो साहित्य और संगीत था इसको राजाओं का संरक्षण मिला था, इसीलिए ये बहुत सीमित दायरे में ही था. पर अब जैसे अकेडमी है, नृत्य अकेडमी है, या जैसे शालिनी जी जैसी महिलाएं हैं जिन्होंने कि इसको और आगे बढ़ाया है, तो इसका विस्तार होता गया है और हम इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं. हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं उन सभी एकेडमीज़ को, उन सभी एनजीओज़ को, उन सभी कलाकारों को जिन्होंने कि अपनी इस गुरु परंपरा के माध्यम से इस खूबसूरत कला को आगे उस पीढ़ी को दिया है जिस पीढ़ी को एक भय है कि कहीं हम पाश्चात्य संस्कृति में, पाश्चात्य संगीत में खो ना जाए. तो मैं यही अपनी भावना व्यक्त करना चाहती हूँ कि इस तरह की हमारे भारतीय साहित्य, भारतीय संगीत, भारतीय नृत्य के प्रति हमारी आस्था बनी रहे और इसी तरह की गुरु परंपरा चलती रहे. चलिए मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस इवेंट को लेकर?
कितनी खुशी हो रही है, क्या बात है? मैं सुनीला सत्यवती शर्मा, एक्स कॉरपोरेटर मीरा भाईंदर से बोल रही हूँ। आज जो मुझे यहाँ पे जो नृत्य कला देखने का मौका मिला है, ये बहुत ही मेरे सौभाग्य की बात है कि जो आज जो पांच लड़कों ने इतना सुंदर नृत्य किया है, और शालिनी शर्मा जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि इसी नृत्य कला को वो कायम रखेंगी और देश विदेश में अपना नाम करेंगी। उन पाँचों बेटियों को मैं बहुत ज़्यादा शुभकामना देती हूँ। थैंक यू।